बच्चों अभी नहीं, अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, बाद में आओ। ठीक है। अब क्या वो हमारा अभ्यास देख सकते हैं? वो मेरे दोस्त है। जरूर, जैसा तुम चाहो, लेकिन आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बैठो। हाँ हाँ ठीक है। अब आप लोग इस भाग का अपना अभ्यास कीजिए, मैं अंदर बैठता हूं। गोपी जी। राव साहब, ये बच्चे हमारे पहले दर्शक और मेहमान हैं। जाओ इनके लिए सूखे मेवे लेकर आओ, काजू, किशमिश, बादाम, बर्फी सब मिलाकर लाओ। जी जरूर। बच्चों को मेवा देना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन गणपत राव को यह भूलना नहीं चाहिए कि नाटक हम उधार के पैसों से कर रहे हैं। चंपा, अब मेरा भाग है, तुम बैठो और गौर से देखो। बंदा जी, चंपा यहां क्या कर रही है? अंता जी, उसके बाप को तो देखिए, उधर कुर्सी की मरम्मत कर रहा है, जरूर उसके साथ आई होगी। लेकिन उस गणपत राव को तो देखिए, बेचारे को दमयंती नहीं मिली तो बच्चों के सामने नाटक करके खुद को बहला रहा है। माई, भिक्षा दे माई। आपने आखिरी वक्त मेवे कभी खाए थे? 2 महीने पहले। और काजू बर्फी? उसके और 3 महीने पहले अंता जी। मत रोइए, मत रोइए, मत रोइए। पंता जी, हम हमेशा किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, हमें भी हक है अच्छे से अच्छा खाना खाने का। चलिए पंता जी, बाजार जाते हैं और पेट पूजा करते हैं, यहाँ तो कुछ नाटक वाटक होने से रहा। चलिए चलिए। अरे, इसमें तो बादाम भी है, तुम्हें बादाम बहुत पसंद है ना?
मल्हारी तुम ठीक तो हो ना? मल्हारी 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 कि आंखें पीली क्यों हैं? कहीं से पीलिया तो नहीं? नहीं माल सपति जी, तबीयत खराब होने से पहले तुम क्या कर रहे थे? चंपा दीदी के नाटक का अभ्यास देख रहा था। इसकी आंखें पीली कब से हैं? साईं, ये जब घर से निकला तब तो ठीक था। और जाते समय क्या खाया था इसने? वरण भात ही खाया था, वो भी बिल्कुल सादा। तुम्हारी जेब में क्या है? बादाम है साईं। क्या तुमने इन्हें खाया था? अधिक मात्रा में बादाम खाने से मल्हारी की तबीयत खराब हुई है। साई, मैंने इससे कितनी बार कहा है कि ज्यादा सूखे मेवे नहीं खाने चाहिए, लेकिन ये मेरी बात सुनता ही नहीं है। इससे मैंने एक बार ये क्या कह दिया कि बादाम खाने से याददाश्त तेज होती है, बस तब से पागलों की तरह ये बादाम खाता रहता है बस। मल्हारी, तुम्हारी आई बिल्कुल ठीक कहती है, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन कोई भी चीज अधिक खाने से नुकसान दे सकती है। एक वादा करोगे मुझसे? वादा करो कि आज के बाद तुम कभी बादाम नहीं खाओगे। नहीं साईं, मुझे तो बादाम पसंद है, तो मैं कैसे छोड़ दूं? मल्हारी, साईं जो कह रहे हैं उसे मानो। तुम्हें पता है ना, साईं जो भी कहते हैं हमारी भलाई के लिए कहते हैं। वचन दो साईं को, दो। महालसा पति जी, बच्चों से जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि प्रेम से पेश आना चाहिए। अगर आप मल्हारी को यह सिखाना चाहते हैं कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, तो आपको प्यार से बात करनी चाहिए, क्योंकि भय से तो केवल भय ही समझ में आता है, और भय से लाया गया परिवर्तन कभी स्थायी नहीं हो सकता। मल्हारी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। बादाम स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, अधिकतर लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों को ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, और खासकर तब जबकि इन्हें अधिक मात्रा में खाया जाए, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ है। बादाम तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं।
इसलिए तुम इन्हें कभी मत खाना। मेरी बात मानोगे ना? ठीक है साईं, मैं आपसे बादाम कभी नहीं खाऊंगा। शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा हो तुम। मल्हारी ने तो मेरी बात मान ली, लेकिन वो अभी बच्चा है। स्वाभाविक है, बादाम देखकर उसका भी खाने का मन करेगा। इसलिए आप लोग भी अपने घर में सूखे मेवे रखना बंद कर दीजिए। जी साईं, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए साईं। राम जी भला करें। चलो मल्हारी। साई, क्या अभी मल्हारी तभी बादाम नहीं खा पाएगा? उसे बादाम खाना बहुत पसंद है, ये मैंने खुद देखा है। कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वक्त और किस्मत के पास होते हैं। उसकी आंखों का पीलापन ठीक हो जाए फिर देखते हैं। साई, इसमें कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? मल्हारी की जान को खतरा तो नहीं है ना? कहा ना, कुछ सवालों के जवाब केवल किस्मत और समय के पास होते हैं। ये तैयार उसे देखने के लिए जो बनेगी आपकी गांव की शान। जी हाँ, एक बार फिर से हम आपके सामने लाए हैं हमारा प्रसिद्ध नाटक नल और दमयंती, जिसमें पहली बार एक लड़की निभाएगी नायिका की भूमिका, और वो भी आपके गांव की। ये मौका मत गवाइए, नाटक देखने जरूर आइए। समाज बदल रहा है और इस बदलाव के साक्षी बन जाइए। आइए आइए आइए, चलो। ये चंपा है। सचमुच बहुत किस्मत वाली है ये। देखिए नल दमयंती का नाटक, आइए आइए आइए। अंता जी, ये लड़की की तस्वीर जानी पहचानी सी लग रही है। अरे हाँ अंता जी, ये तो चंपा की तस्वीर है। ओहो, अब समझा चंपा वहां पे किस लिए थी और क्या कर रही थी। चलिए सरकार को बताते हैं। अरे ओम, खाट का व्यापार करने के लिए इसने हमसे कर्जा लिया था ना मुनीम? जी सरकार। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए अभी के अभी। लेकिन सरकार, इस महीने का ब्याज और किस्त मैंने अदा कर दिए सरकार। जब वो सब पता है मुझे, शेष राशि मांग रहा हूं मैं। लेकिन सरकार, इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? मुनीम,
इसने अपना घर गिरवी रखा था ना हमारे पास। जी सरकार। उस पर अधिकार कर लो। सरकार, मैंने हमेशा वक्त पर किस्तें दी हैं। ब्याज चुकता किया सरकार। सरकार आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है रविदास। वो मेरे पैसे हैं, मैंने तुम्हें दिए थे और वो मैं कभी भी मांग सकता हूँ। और सुनो, ये मेरा बनाया हुआ नियम है। सरकार, अगर आप मेरा घर ले लेंगे तो मैं अपनी जवान बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगा? जवान बेटी? तेरी जवान बेटी अब नायिका बन गई है ना, भेजता है ना उन भांडों की टोली में गाना बजाने के लिए, वहां तो उसे पैसे मिलते होंगे। मदद मांगने आया था तू मुझसे, लेकिन तूने मेरे शत्रु के साथ हाथ मिलाया। मुनीम, इसके घर का सब सामान बाहर फेंकवा दो और घर पे कब्जा कर लो। सरकार, मुझसे गलती हो गई सरकार, मुझे माफ कर दीजिए सरकार। सरकार, मैं बेघर हो जाऊंगा। सरकार, आप जो कहेंगे सरकार, मैं वही करूंगा सरकार। चंपा को गणपत राव की मंडली से बाहर निकालो। सरकार, और कुछ करने के लिए कहिए मुझसे, मैं ऐसा नहीं कर सकता सरकार। सरकार, अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझ पर मुकदमा कर देंगे सरकार, क्योंकि मैंने उनके अनुबंध पत्र पर अंगूठा लगाया सरकार कि चंपा उनका नाटक करेगी। सरकार, हरिओम हरिओम। जिससे डर रहे हो ना रविदास, उसी को अपना शस्त्र बना लो। सुनो, सरकार ये मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम्हें अपना घर प्यारा है ना रविदास, तो ये तुम्हें कुछ भी करके कैसे भी करके करना होगा, और तुम्हें ही करना होगा। और नहीं किया तो शिरडी के बाहर फेंकवा दूंगा तुम्हें। सुनो, आज रात तक का समय है तुम्हारे पास, कल आके अपना निर्णय बता देना। हरिओम। चलो जाओ यहां से। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, अपनी बेटी के अरमानों को मैं कैसे चूर चूर कर दूं। तुमने तो देखा है ना आजकल वो कितनी खुश रहती है। उसकी खुशी के लिए आप चाहेंगे कि हम बेघर हो जाएं? अगर कुलकर्णी सरकार के हिसाब से काम नहीं किया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, और जल में रहकर मगर से बैर कौन लेता है। आई, आप लोग यहाँ, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। अच्छा ये बताओ, मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ? उपहार में दी, बहुत अच्छी है, लेकिन तुझसे कम। क्या आई, कुछ भी कहती हो, मुझे तो बड़ी सुंदर लगी। अच्छा आई, मैं साई से मिलने जाऊं? ये सब उनकी कृपा से संभव हुआ है। नाटक शुरू होने से पहले मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। जाओ जाओ। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी का दिल टूटे, उसके सपने अधूरे रह जाएं। लेकिन आप भी तो जानते हो सरकार के आगे किसकी चली है, इच्छा से या अनिच्छा से हमें उनकी इच्छा के अनुसार ही काम करना होगा। इसलिए आप कल उनके पास जाकर कह दीजिए कि
उन्होंने जो कहा है हम उसके लिए तैयार हैं। देखना ना भूलिए एक बार फिर नल दमयंती का नाटक आपके गांव में। आइए 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 आइए। चंपा, मैंने कहा ना साई आरो के जैसे नहीं है, वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे, एक बार बात करके तो देख। नो नो नो, नमस्ते साई। साई, तुम्हें याद है जब मैं चंपा को पहली बार द्वारका में लेकर आई थी, वो ढंग से बोल भी नहीं पाती थी, घबराती थी, बात बात पर हकलाती थी, और फिर तुमने उसे ठीक कर दिया। और अब देखो वही चंपा सैकड़ों लोगों के सामने अभिनय करेगी, गाना गाएगी। उसे सिर्फ आत्मविश्वास की जरूरत थी लक्ष्मी। और फिर उसने यूं ही अपना मन बहलाने के लिए गाना शुरू किया। मुझे आज भी याद है, वसुधा काकी उसे हमेशा डांटती रहती थी गाने के लिए। मुझे खुशी है कि उसने गाने का अभ्यास कभी भी बंद नहीं किया। चंपा की आवाज बहुत मधुर है, ये उसे ईश्वर का आशीर्वाद है, वरदान है। इस वरदान, इस आशीर्वाद को छीनने वाले हम कौन होते हैं? कि आप आएंगे मुझे अच्छा लगेगा, लगेगा कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है और मेरा हौसला बढ़ेगा। ये ले। ये लक्ष्मी ने बनाया है खास तुम्हारे लिए। इसमें मेरा आशीर्वाद और लक्ष्मी की शुभकामनाएं हैं। और रही बात हौसला बढ़ाने की, मेरे वहां आने की, तो मैं तो हर समय तुम्हारे साथ हूं। तुम बस मुझे याद करना और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। इसे पहनकर मैं मंच पर नाटक करने जाऊंगी। बस चंपा के मंच पर आने का इंतजार करना, तुम्हें देखते ही लगेगा चंपा पिछली वाली दमयंती से लाख गुना बेहतर है। चलो चलो, प्रवेश शुरू हो रहा है। तैयार हो? जी बाऊ। किसी भी तरह की कोई घबराहट या डर तो नहीं ना? नहीं भाऊ। तो फिर रानी दमयंती, हमारा नाटक शुरू ही होने वाला है, जल्दी आ जाना। बाबा, मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना प्रोत्साहन और इतना आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। राजा नल की जय। राजा नल की जय। राजा नल की जय।
नमस्कार राजन। यह आश्चर्य की बात है राजन, जो आप राजकुमारी दमयंती को नहीं जानते। वो संसार की सबसे सुंदर राजकुमारी है। उनके सौंदर्य की व्याख्या करने के लिए मेरे पास शब्दों की कमी पड़ गई है राजन। बस ये समझ लीजिए कि स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराएं मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा सब उनके समक्ष शर्म से झुक जाए। अब देखना चंपा आएगी। फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है तू? तुझे याद है ना सरकार ने क्या करने के लिए कहा है? तू कब करेगा? नाटक खत्म होने के बाद? तब करूंगा जब चंपा मंच पर अकेली होगी। अभी थोड़ी ही देर में जंगल का दृश्य आने वाला है, तब चंपा अकेली होगी, तभी मैं अपनी योजना को अंजाम दूंगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं करता हूँ। अब देख लेना चंपा गाना गाएगी। राजन, राजन कहाँ है आप? राजन, राजन कहाँ है आप? राजन, कैसी किस्मत है हमारी, अपनी ही बेटी की खुशियों पर ग्रहण लगा रहे हैं। ये चिपकली मरी हुई है, इसलिए इधर उधर नहीं भागेगी, एक ही जगह पर चिपकी रहेगी। चंपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चिपकली जिंदा है या मरी हुई है, वो तो बस चिपकली देखकर बर्फ की तरह जम जाएगी। देखना बलाल पंथ, ये गाना चंपा को रातों रात मशहूर बना देगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये चंपा गा क्यों नहीं रही? चंपा को क्या हुआ? अभ्यास में तो कितना अच्छा गा रही थी, आप चुप क्यों है? पता नहीं क्या हो गया उसे। करो मैंने तुमसे क्या कहा था, मैं तो हर समय तुम्हारे साथ, तुम बस मुझे याद करना और मैं वहां पहुंच जाऊंगा।
साई। माफ करना बेटी, हम मजबूर हैं। इस भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर आज एक नए सितारे का पदार्पण हुआ है, एक होनहार कलाकार का उदय हुआ है। अब मेरे नाटक को कामयाब होने से कुलकर्णी सरकार क्या, अंग्रेज सरकार भी नहीं रोक सकती। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ने मेरे काम को कितना सराहा। जब भी मेरे गीत और संवाद खत्म होते थे तब सब तालियां बजाते थे। अगर तुम्हें अपना घर प्यारा है ना रविदास, तो ये तुम्हें कुछ भी करके कैसे भी करके करना होगा, और तुम्हें ही करना होगा। बाबा, पता है आज मैंने अपने सबसे बड़े डर पे विजय पाई। जंगल वाले दृश्य में पेड़ पर एक चिपकली थी, मैं तो डर से सुन हो गई, और फिर एक चमत्कार हुआ। चमत्कार तो तुम्हारे मेरी नाटक मंडली में आने से हुआ है चंपा। सच में तुमने मुझे गौरवान्वित किया है। भाव, ये सब आपकी मेहनत और लगन का नतीजा है। वैसे मैंने ठीक तो किया ना भाव? ठीक, तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी तालियां आज तक मेरे किसी भी खेल में नहीं बजी, और तुम्हारे प्रदर्शन के लिए मेरी नाटक मंडली की तरफ से
अब मल्हारी की तबीयत कैसी है? अब तबीयत तो इसके ठीक है साईं, लेकिन कल से बहुत गुस्से में है ये। दरअसल साईं, कल इसके सारे दोस्त नाटक देखने जाने वाले थे और हमने इसे जाने नहीं दिया, क्योंकि साईं इसके स्वास्थ्य को लेकर अब मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। और फिर ये घंटों तक रोता रहा। कल इसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। और साईं, पहली बार ऐसा हुआ है कि ये बिना दूध पिए ही सो गया। अभी भी देखिए कितना नाराज है। बड़ी मुश्किल से हम इसे यहां लेकर आए। यहां आओ मल्हारी। सुना नहीं तुमने? साईं बुला रहे हैं तुम्हें यहां पर। खालसा भतीजी। जरा देखूं तो मेरे मल्हारी की तबीयत अब कैसी है। तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। सच? मतलब मैं बादाम खा सकता हूँ? नहीं, बादाम तो नहीं खा सकते, पर हाँ, अपने दोस्तों के साथ कहीं भी आ जा सकते हो। अब क्या फायदा साईं, नाटक तो खत्म हो गया। कोई बात नहीं, अभी तो कई नए खेल होंगे, तुम कभी भी जाकर देख सकते हो। ठीक है मल्हारी, कल हम सब साथ में नाटक देखने जाएंगे। ठीक है, खुश? ठीक है, मैं अपने सारे दोस्तों को बता देता हूँ कि कल हम लोग नाटक देखने जाएंगे। आराम से। मल्हारी की तबीयत अब ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि मल्हारी को बादाम से दूर रखना है हर हाल में। आप दोनों को ही ध्यान नहीं रखना है, बल्कि मल्हारी के दोस्तों को, उनके परिवारों को और अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को भी बता दीजिए कि कोई भी मल्हारी को बादाम ना दे, गलती से भी। जी साईं, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। आज्ञा दीजिए। राम जी भला करें। रविदास। राव साहब, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, बाहर आइएगा। अभी आता हूं। ये लीजिए, ये लो, मैं भी मुंह मीठा करता हूं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। एक तरफ कुलकर्णी सरकार की धमकी और दूसरी तरफ बेटी की खुशी। बोलो बलालपंत, ये क्या कर रहे हो तुम गणपत? अभी तो नाटक का बस पहला खेल हुआ है और तुम पैसे ऐसे उड़ा रहे हो जैसे हमें मुनाफा हुआ है। और अगर उसे अभी से सर पर इतना चढ़ाओगे तो बाद में तो वो सर पे चढ़ के नाचेगी। तो तुम क्या चाहते हो बलालपंत? क्या करूं मैं? अरे मैं अपने कलाकारों को भी प्रोत्साहित नहीं कर सकता।
चंपा की वजह से हमारी नाटक मंडली बच गई, हमारा नाटक बच गया। अब उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। करो, लेकिन अपनी जेब से, नाटक के खाते से नहीं। हमें खर्चा कम करना होगा। अगर ऐसे ही पैसा खर्चा करोगे तो हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। शायद तुम ये भूल रहे हो कि बाबा साहब से तुमने बहुत बड़ा कर्जा उधार लिया है। वो पैसा कैसे लौटाओगे? लौटा देंगे, सब हो जाएगा। तुम इन छोटी छोटी बातों को लेकर अपना मुंह मत फुलाया करो बस। और तुमने आज खुद देखा ना, हमारा नाटक कितना पसंद आया लोगों को। बलाल पंत, कम से कम आज इस खुशी के मौके पर ऐसी बातें मत करो ना। गणपत, मेरी बात सुन। अब बस हो गया मेरे यार। गणपत, छोड़ जा, चल कहाँ ले जा, चल छोड़, मुझे मुझे छोड़ दो, मुझे कहाँ ले जा, ले जा, चल। मुझे माफ कर दीजिए सरकार, मुझे माफ कर दीजिए सरकार, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए सरकार मुझे। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तूने वचन दिया था मुझे कि तू उस गणपत राव का खेल खराब करेगा, लेकिन हुआ उल्टा। अब देख मैं तुम्हें कैसे सीधा करता हूं। अब तो तेरा घर गया। नहीं सरकार, पहले चंपा छिपकली देखकर सुन्न पड़ जाती थी और शुरू में वो डरी भी, फिर अचानक उसका डर पता नहीं कहां चला गया। आपने देखा था ना, बताइए ना सरकार को। स्पष्टीकरण नहीं, परिणाम चाहिए था मुझे, परिणाम। तूने मुझसे झूठ बोला, इसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा। अंता पंता, इसका घर आज से तुम दोनों का। नहीं सरकार, सरकार मैं बेघर हो जाऊंगा। सरकार एक मौका दे दीजिए, सरकार मैं बेघर हो जाऊंगा। अब ये मेरे किसी काम का नहीं रहा, इसे लेके जाओ यहाँ से। सरकार, सरकार एक मौका दे दीजिए, बेघर हो जाऊंगा। एक मौका दे दीजिए सरकार, 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 सरकार इन्हें छोड़ दीजिए, एक बार हमारी बात सुन लीजिए सरकार। आप यही चाहते हैं ना कि गणपत राव का नाटक बर्बाद हो जाए? हमने एक और उपाय सोचा है सरकार। हरि ओम। सरकार, कल मैंने गणपत राव और बल्लाल पंत की बात सुनी। उनकी बातों से मुझे लगा कि गणपत राव बहुत खर्चीला है और हमारी चंपा को अपने नाटक में रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसे पैसों की कोई परवाह नहीं है सरकार, पैसों को वो पानी की तरह बहा देगा, लेकिन हमारी चंपा की हर मांग पूरी करेगा। सरकार, हम जिद करके उससे कितना भी खर्चा करवा सकते हैं। सरकार, गणपत राव के पास पैसे हैं ही नहीं, वो तो पहले ही नीम गांव के बाबा साहब से उधार ले चुका है। बहुत बड़ी रकम है सरकार। हरिओम, मुझे अंदाजा था उसके अंतिम में दाम नहीं है, थोता चना बाजे घना। सुनो, अगर तुम लोग रास्ते पे नहीं आना चाहते हो तो उस गणपत राव को रास्ते पे लेके आओ। तुझसे समझदार तो तुम्हारी घरवाली है। और स्मरण रहे कि तुम लोगों के पास अंतिम अवसर है। अगर असफल हुए तो घर से नहीं, शिरडी से बाहर फेंकवा दूंगा तुम लोगों को, जैसे कि मैंने पहले भी सूचित किया था। और ये मत समझ लेना कि शिरडी से निकल के आसपास वाले गांव में जाके बस जाओगे, क्योंकि आसपास वाले गांव पर भी मेरा ही राज चलता है, समझे? इसलिए जो करना है वो सोच समझ के करना।
हरिओम। मेरे पास और कोई विकल्प ही नहीं था। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी के सपने टूटें, लेकिन कुलकर्णी सरकार ने जो कहा है वो तो करना ही पड़ेगा ना। वैसा नहीं किया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हम बहुत परेशानी में आ जाएंगे। परेशानी? कैसी परेशानी रविदास? साईं से क्या कहूं कि अपने घर को बचाने के लिए मैं किसी शख्स को धोखा देने जा रहा हूं। क्या हुआ रविदास? कुछ नहीं साईं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने काम करना क्यों छोड़ दिया है? साईं दिन भर चंपा के साथ में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से काम करने का समय ही नहीं मिल पाता। और फिर साईं नाटक से इतनी आमदनी हो रही है कि उतना तो मैं 4 महीने में भी नहीं कमा पाता। अब जब पैसे आ ही रहे हैं साईं तो मेहनत करने की क्या जरूरत है। जब तुम खुद काम करने योग्य हो तो किसी और की कमाई पर आश्रित होना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और रही बात चंपा का ख्याल रखने की, तो उसके लिए उसकी माँ है। तुम अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि इंसान जब आर्थिक रूप से सक्षम होता है तो जीवन की अनेक चुनौतियों का सामना वो आसानी से कर सकता है। ठीक है? जी साईं। राम जी भला करें। क्या अच्छी खबर सुनाई है तुमने बलाल पंत? ये तो होना ही था, आखिर गणपत राव का नाटक है। देखना बलाल पंत, हफ्ते भर की नहीं महीने भर की चिप्पियाई पहले बिक जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। नाटक तो तब होगा ना जब नाटक की नायिका काम करने लायक रहेगी। क्या हुआ चंपा को? ये देखिए, इतने घटिया किस्म के कपड़े और जेवर दिए हैं आपने कि उसे पहनकर इसके सारे शरीर पर लाल चकत्ते पड़ गए हैं। आई, ये तो मच्छर से। तू चुप कर। आप ही ने कहा था ना कि ये बहुत अच्छी कलाकार है, तो इसे अपनी सुंदरता का भी तो ख्याल रखना होगा ना। अगर ऐसे घटिया कपड़े पहनेगी तो ये अपनी सुंदरता का ख्याल रखेगी या अपने अभिनय का? लेकिन देखने में तो लग रहा है कि मच्छर ने काटा है। तो आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, आप झूठ नहीं बोल रही हैं। बलाल पंत, थोड़ी संवेदना और विश्वास रखो। अरे वो तो अपनी बेटी के लिए परेशान है और तुम हो जो शक किए जा रहे हो। देखिए आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा। क्या उपाय करोगे तुम? तुम परेशान मत हो, आप मुझ पे विश्वास रखिए। क्या
भाई, मुझे तुम्हें कुछ बताना ही नहीं चाहिए था, तुमने तो बात का बतंगड़ बना दिया। मुंह बंद रख अपना, और जो मैं कहती हूँ ना चुपचाप वैसा कर, वरना तेरा ये नाटक में काम वाम करना सब बंद करवा दूंगी मैं। अरे चंपा, अभिनेत्री बनने के बाद तुम्हारे दर्शन तो दुर्लभ हो गए, एकदम ईद का चांद बन गई हो। कहीं ऐसा तो नहीं अब तुमसे मिलने के लिए चिट्ठी लेने पड़ेगा हमें? अरे काकी कैसी बात कर रही हो, अब तो फिर मेरे साथ घर चलो और मुझे गाना गा के सुनाओ। आओ, मैं वो साई से मिलने जा रही हूँ, बाद में आऊंगी, ठीक है? चंपा दीदी, चंपा दीदी, बड़ा मजा आया आपका नाटक देखकर। और जानती हो, मलारी आपका नाटक देखने से रह गया। तो क्या हुआ, बाबा ने मुझे कहा है कि कल वो मुझे नाटक दिखाने लेके जाएंगे। अच्छा, और नाटक कहाँ भागा जा रहा है? मलहारी, कल जब तुम आओगे तब मैं तुम्हारे लिए खीर की मिठाई रखूंगी। मुझे पता है अब तुम्हें बादाम नहीं खाने हैं। उदास मत हो लक्ष्मी। हाँ साई, लेकिन क्या करूं, इधर कुछ दिनों से बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। बचपन में आई मुझे अपने बचपन की सहेलियों की बातें बताती थी, तो मैं उनसे पूछती थी कि अब वो सहेलियां कहाँ है, तो वो बताती थी कि बड़े होने के बाद सब सहेलियां अपने अपने कामों जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई। उसके बाद एक दूसरे से मुलाकात लगभग बंद हो गई। तब मैं कहती थी कि मैं अपने सहेलियों के साथ हमेशा संपर्क में रहूंगी। बड़े होने के बाद वही चीज मेरे साथ हो रही है। मोहनी, बेला, संध्या सब अपने अपने घर के कामों में व्यस्त हो गए, किसी के पास समय ही नहीं रहा कि अब हमारा मिलना जुलना हो सके। बस एक चंपा बची थी, लेकिन अब उसके पास भी, शायद अब हमारे बीच भी सारी चीजें बदल जाएंगी। तूने सोच भी कैसे लिया कि हमारे बीच कुछ बदलेगा? चंपा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुमसे बरसों बाद मिल रही हूं। आ बैठ। कल तुम्हें नाटक में मेरा काम पसंद आया? ये भी कोई पूछने वाली बात है? पूरे गांव में तुम्हारी ही चर्चा हो रही है। हालांकि नरपति से रोने में तुम मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हें याद है वो दृश्य जब उसे लगा था कि राजा ने उसे छोड़कर चले जाएंगे? वो कैसे रोया था, हमें ऐसा लगा कि हमारे कान फट जाएंगे। लेकिन साई, आप जानते हो जब मैं वो दृश्य कर रही थी तब मुझे सच में पीड़ा और बहुत तकलीफ हुई। जब राजा नल अपना सब कुछ जुए में हार गए तब मुझे असली दमयंती की तरह पीड़ा की अनुभूति हुई। साई, कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? मैंने महसूस किया बात पैसों की नहीं थी, बात जिम्मेदारियों की थी। जिम्मेदारी अपने प्रति, अपनों के प्रति। साई, इस नाटक ने मुझे एहसास कराया कि मुझ में संगीत को लेकर एक दीवानगी है। लेकिन मैं कभी भी जुनून में आकर अपना सब कुछ नहीं गवाऊंगी।
मैंने कहा था ना कि चंपा को वो सब मिलेगा जिसकी वो हकदार है। ये रेशम के कपड़े, ये मखमल के, और ये जो जरी है ना, ये जरी का काम सोना और चांदी का है, असली सोना और चांदी। ये जेवरात, ये आभूषण भी असली सोना है। असली सोने के गहने? असली गहने? हाँ, मैंने कहा था चंपा को यह एहसास होगा कि वो ना सिर्फ रानी दमयंती की भूमिका निभा रही है बल्कि खुद एक रानी की तरह रह भी रही है। अरे तभी तो उसका प्रदर्शन, तभी तो उसका अभिनय बेहतर होगा। और गणपत राव नाटक के इतिहास में ऐसी परंपरा शुरू करने वाला पहला व्यक्ति कहलाएगा। जैसे मैं हिंदुस्तान में वो पहला व्यक्ति हूं जिसने एक महिला कलाकार को मंच पर काम करने का, अभिनय करने का मौका दिया, इसी तरह गणपत राव अपने नाटक के कलाकारों को असली आभूषण पहनाने वाला पहला व्यक्ति कहलाएगा। मैंने अपना वादा पूरा कर लिया, अब तो आप खुश है ना? अब तो आपको कोई परेशानी नहीं? बलाल पंत, इन्हें पैसे दे दो। राव साहब, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, इधर आइए। इसीलिए अच्छी कहानियों का मंचन बार बार होना चाहिए, अच्छे नाटकों को बार बार दिखाया जाना चाहिए, ताकि जैसे तुम्हें समझ में आया है बाकी लोग भी समझ सकें कि पैसे को बर्बाद करना बुरा है और पैसे के पीछे भागना उससे भी ज्यादा बुरा। धन का अनादर करके कभी भी मनुष्य का भला नहीं हो सकता। तुम इस तरह पैसा बर्बाद नहीं कर सकते गणपत, मेरी बात समझने की कोशिश करो, अभी अभी पैसे आने शुरू हुए हैं, मेरी बात मानो, इन्हें जेवर और कपड़ों पर बर्बाद करने की जगह बाबा साहेब को लौटा दो, इस बहाने थोड़ा उधार ही कम होगा। बिलालपंत, यही तुम्हारी खराबी है, तुम चिंता बहुत करते हो। अरे बाबा साहेब और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, उन्हें पता है कि उनके पैसे डूबने नहीं वाले और मैं कहीं उनके पैसे को लेकर भागने नहीं वाला, लेकिन अगर चंपा चली गई इस नाटक से तो जो भी पैसे अभी आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। प्राथमिकता देना सीखो प्राथमिकता बिलालपंत। वही तो मैं कह रहा हूं, प्राथमिकता देना सीखो। अब ये मत कहना कि वो चकत्ते वाली बात तुम्हें सच लगी, साफ देखने में समझ में आ रहा था कि मच्छर के काटे हुए निशान हैं। अगर चंपा को कोई परेशानी है तो तुम उससे बात करो, मैंने खुद ये महसूस किया है कि अपने माँ के व्यवहार से वो खुश नहीं थी। अगर तुम चंपा से बात करोगे तो हो सकता है वो अपनी माँ से बात करे, उसे समझाए। बलपन, तुम फिर से उपदेश दे रहे हो मुझे, ये मत बोलो कि तुम मेरे प्रबंधक हो, प्रबंध करना ही तुम्हारा काम है, अब जैसा कहे वैसा करो, जाओ यहां से। साईं, आपके कहे अनुसार मैं गणपत की लापरवाही पे लगाम लगाने की कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन गणपत का अड़ियल रवैया आड़े आ रहा है, मुझे डर है कहीं ऐसा ही चलता रहा तो हम किसी बड़ी मुश्किल में ना पड़ जाएं। नाटक का प्रदर्शन करना या उसे देखना, इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है नाटक से कुछ सीख लेना। चंपा, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने नाटक से सीख ली, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि बाकी लोग भी अच्छी कहानियों, अच्छे नाटक, अच्छे साहित्य से अच्छी सीख लेकर उसका उपयोग अपने जीवन में अवश्य करेंगे।
अल्लाह मालिक।